एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं। क्या बोला इसने? बोला कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंची क्या है बिल्डिंग है मेरे पास, तो बना लेते हैं, ये बना दी हमने 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग, ठीक है। फ्रॉम ए टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब ये चीज ध्यान रखना, क्या बोला इसने, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी मैं इसके ऊपर बैठा हूं और यहां से भी और ऊपर देखने वाला हूं, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। जब मैंने यहां से ऊपर की तरफ देखा तो एक केबल टावर है यहां पे, उसका जो एंगल बन रहा है, मतलब यहां बैठा हूं तो इसका हॉरिजॉन्टल ये होगा, ये जो एंगल बन रहा है दिस इज योर 60 डिग्री। क्या बन रहा है? 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब मैं यहां बैठा, मैंने ऊपर देखा, अब यहां से क्या देखूंगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब यहां से मैं कहां देख रहा हूं, नीचे देखूंगा, नीचे कहां देख रहा हूं मैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब ये जो टावर था, ठीक है, इसके फुट का जो एंगल है वो क्या है, 45 डिग्री है। तो लेट, ये दोनों ग्राउंड लेवल पे होंगे, ठीक है, देखिए, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब मैं यहां से देख रहा हूं, ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, तो मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला जो है कितना है, 45, ये ध्यान रखना, ये कितना दिवन है, 45 डिग्री। जब आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाए तो ऊपर से मुझे एंगल बनाना है, अब मुझे पता है ये 45 है तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन क्या है, मेरा ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये कौन से एंगल बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हमने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फर्क कुछ नहीं है, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाए तो आपको ये भी बनाना है, ये भी बनाना है, ये बनाएंगे क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है, नहीं जरूरत पड़ेगी तो भी इससे निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में हमें इसकी जरूरत ना पड़े, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, जैसे यही वाला मान लो, ठीक है, इसमें हम दोनों कंडीशंस ले सकते हैं, इसकी बिना भी निकाल सकते हैं और इसके साथ भी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना, लेकिन ये एंगल मुझे हमेशा बना के दिखाना है। अगर आपने ये एंगल नहीं बनाया, जहां एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हुई आपने ये नहीं करके दिखाया एंगल ऑफ डिप्रेशन, आपका 1 मार्क्स गया, ठीक है, डायग्राम का मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको बता दूं CBSE रूल्स के अकॉर्डिंग डायग्राम का 1 मार्क्स होता है, ठीक है, तो अगर आपने नहीं किया तो आपका 1 मार्क्स जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, मुझे क्या करना है, इस टावर की हाइट निकालनी है, ये पूरी क्या होगी ये निकालनी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो क्या क्या चीजें हैं मेरे पास, ये 7 मीटर मुझे गिवन है, ये एंगल 60 है, ये 45 है, तो ये 45 है तो ये अपने आप 45 हो जाएगा, और मुझे ये पूरी निकालनी है। लेट मैं बोल देता हूं, दिस इज पॉइंट इज ए, दिस इज बी सी डी ई, मुझे निकालना है ए डी पूरा, सिर्फ मेरे पास ये 7 मीटर है। तो अगर एक चीज मैं बोलता हूं ये 7 मीटर है तो ये भी क्या होगा, 7 मीटर ही होगा, ठीक है। अब इसको करने के 2 तरीके आपके पास, 7 मीटर लिया, ये 7 मीटर लिया, ये ट्रायंगल ले लो, इससे ये निकाल लो, इससे ये निकल जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, पहली चीज। दूसरा क्या है, 7 मीटर है, इससे ये निकाल लो, ये इसके इक्वल कर देंगे, फिर इससे ये निकाल लेना चाहे तो वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो बेटर कौन सा रहेगा, ये 7 मीटर है, मैं इसको भी 7 मीटर ले लेता हूं डायरेक्टली, क्योंकि ये मुझे पता है और आपको ये कहीं भी प्रूव करके नहीं दिखाना है, आप एप्लीकेशंस पढ़ रहे हो, ये चीज ध्यान रखना, थ्योरम्स में हर चीज का रीजन देना होता है, ठीक है, लेकिन जब आप एप्लीकेशन पढ़ते हो किसी चीज की तो वहां मुझे रीजन नहीं देना होता है, वहां जस्ट मुझे उसका यूज करना होता है, ठीक है। तो आपको जो चीजें दिख रही है सिंपली वो उसको हम अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो अब ये भी मेरे क्या होंगे, 90 डिग्री, एज इट इज ये भी मेरा 90 होगा, ये पूरा भी 90, ये पूरा भी 90 होगा। स्टार्ट करते हैं, क्या गिवन है मुझे, मुझे गिवन है सी ई इज इक्वल टू 7 मीटर और एंगल ए सी बी ऊपर वाला ए सी बी कितना है 60 डिग्री, एज इट इज ये 45, तो बी सी डी कितना है 45, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 45। अब देखो सी मुझे 7 मीटर है तो बी डी भी कितना होगा 7 मीटर, तो इसको मैं लिख लेता हूं बी डी इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू 7 मीटर, कुछ रीजन देने की जरूरत नहीं है, डायग्राम से आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब क्या करें, पहले ये वाली ट्रायंगल लेते हैं, देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन कौन सी साइड है, ये वाली, ठीक है, तो इसकी ये वाली इतनी साइड तो मुझे पता है,
ये इतना पार्ट जो है मुझे पता है क्या है, एक साइड एक एंगल हो तो आप दूसरी साइड निकाल सकते हो, और अगर मुझे ये साइड पता लग गई तो ये एंगल मेरे पास है, मैं ये भी निकाल दूंगा और दोनों को जब ऐड करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, सिंपल। तो पहले लेते हैं ट्रायंगल BCD, मैंने लिया इन ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल मैंने ली BCD, एक गिवन एक कॉमन, ठीक है, अननोन, ये वाली साइड कॉमन है तो ये तो मैं लूंगा पहली चीज, और ये वाली साइड मुझे गिवन है तो ये भी मैं लूंगा, तो ये क्या है BD, मैंने ले लिया BD डिवाइडेड बाय ये क्या है BC, BC इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखो BD क्या है, एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी ये हो गया परपेंडिकुलर ऊपर, डिवाइडेड बाय फिर मैंने लिया BC, एंगल के साथ क्या होता है बेस, तो P/B क्या होता है अगेन मेरा टेंजेंट थीटा, तो ये P/B ही बन रहा है टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा क्या है यहां पे मेरा थीटा है मेरा 45 इस एंगल के, 45। BD देखो BD की वैल्यू मेरे पास है 7, मैंने पुट कर दी बिल्कुल ठीक है। BC की वैल्यू मुझे निकालनी है इज इक्वल टू टेंजेंट 45 क्या होता है 1, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए 1/1 लिख लेता हूं, BC × 1 करोगे तो क्या आएगा BC, 7 × 1 करोगे तो 7, और मीटर में मेरा आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने BC निकाल ली, कितनी आ गई मेरी 7 मीटर। अब मैं AB निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो ले लो अगली ट्रायंगल कौन सी है, इन ट्रायंगल ABC ये वाली ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है। AB मुझे निकालनी है, मैं लिख लेता हूँ डिवाइड बाय BC मैंने निकाल दी है तो ले लेता हूँ इज इक्वल टू क्या होगा AB एंगल के सामने परपेंडिकुलर एंगल के साथ बेस, तो P/B क्या होता है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट तो हो गया थीटा कौन सा है इस ट्रायंगल के लिए 60 डिग्री, पुट कर दो वैल्यू, AB मुझे निकालनी है, BC 7 हमने निकाल ली, टेंजेंट 60 √3 यही तो होता है, 10 60 √3, तो AB की वैल्यू क्या आ गई दिस इज 7 √3 मीटर। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए AD यानी हाइट ऑफ द टावर क्या होगी, हाइट ऑफ द टावर क्या होगी, हाइट ऑफ द टावर मतलब AD, और AD पूरा किसके इक्वल होगा, AD किसके इक्वल होगा AB + BD के, तो AB + मैंने लिख दिया BD, AD ये पूरा है, AB + अगर BD कर दूं मिल जाएगा दोनों। अब AB की वैल्यू मैंने अभी भी निकाली, कितनी आई 7 √3 प्लस BD की वैल्यू मुझे पहले ही गिवन है कितनी है 7, ठीक है। देखो अब यहाँ √3 है यहाँ नहीं है तो मैं ऐड तो नहीं कर सकता, तो क्या करें सिंपल, इन दोनों से 7 कॉमन आ रहा है तो ले लो बाहर, 7 बाहर क्या बचा यहाँ √3, यहाँ 7 ही था वो बाहर आ गया तो क्या बचा 1, तो 7 × √3 + 1 और किसमें मीटर में, यूनिट लिखना मत भूल जाना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था हमारा, ठीक है, आई थिंक आसान था। दो ट्रायंगल्स के लिए मैंने आपको मेथड बता दिया, कॉमन साइड है उसको ट्राई करो निकालने की, अगर आपके पास एक वैल्यू गिवन है तो निकल जाएगी, वैल्यू नहीं गिवन है तो उसको निकाल लो फिर भी दोनों ट्रायंगल से, दोनों को इक्वेट कर दो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू।